करेंगी इसमें 20 प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन है कि डिजिटल रिसोर्सेस टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट के लिए कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या फॉर्मेट्स हैं। इस पे आवाज मेरे ख्याल से आ रही होगी सबको, फुल है ना? एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ आप तो स्क्रीन पे एक बार हम इसकी परिभाषा की, हमारा मतलब क्या है अगर हम डिजिटल संसाधन स्रोतों की बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत ई टेक्स्ट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो, वॉइस नरेशन, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, इमेजेस, ग्राफिक्स, या तो अपने आप में ये इंडिपेंडेंट रिसोर्स की तरह या इनका कॉम्बिनेशन एक मल्टीमीडिया के रूप में भी हो, तो इन सबको हम डिजिटल रिसोर्सेस कहते हैं, जो भी डिजिटली अवेलेबल हम कराते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से। किसी को वॉइस नहीं आ रही, कोई लिख रहा है नो वॉइस? मीनाक्षी डागर बोल रही है कि उनको आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों को आ रही है, तो आप जरा अपने एंड पे देखिए कि क्या दिक्कत है। अगला स्लाइड चैट में लिख दो कि सबको आ रही है, क्योंकि उनको सुन नहीं रहा तो पता नहीं चलेगा। लोगों में क्लियर है जैसे। हाँ, सो ये जो है, यहाँ आप वो स्लाइड पे देख रहे हैं, ये विभिन्न प्रकार के ई कंटेंट है, डिजिटल रिसोर्सेज है। तो आप ये वैरायटी देखिए लिस्ट में क्या क्या है, और अगर आपको चाहिए कि किसी, वैसे तो मैं सभी के बारे में आपको डेमो दूंगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं किसी विशेष प्रकार के रिसोर्स के बारे में हम ज्यादा विस्तार से बताएं, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि डॉक्टर प्राची देख लेंगी और बता देंगी कि किस रिसोर्स के बारे में और ज्यादा बताना है। तो यहाँ लिस्ट में हम देख सकते हैं, माइंड मैप्स हैं, मैप्स हैं, सिमुलेशन है, ऑडियो वीडियो, एडवर्टिजमेंट, इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स। आगे और लिस्ट देखते हैं, मैं देख पा रही हूँ सिमुलेशन लिख रहे हैं काफी लोग, माइंड मैप्स के बारे में सिमुलेशंस आ रहा है, तो बताएंगे हम इनके बारे में विस्तार से। फिर एनिमेशंस हैं, कार्टून्स हैं, स्लाइड शोज हैं, टाइमलाइंस हैं, डायग्राम्स हैं, फ्लो डायग्राम्स हैं, चार्ट्स, ग्राफ्स। एक बार फिर से पिछले स्लाइड पे जाके लिस्ट को एक बार और देख लेते हैं, माइंड मैप्स हैं, मैप्स हैं, सिमुलेशंस हैं, ऑडियो वीडियो, एडवर्टिजमेंट, इंटरैक्टिव मीडिया, इंफोग्राफिक्स, फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट स्लाइड, एनिमेशंस, कार्टून्स, स्लाइड शोज, टाइमलाइंस, डायग्राम्स, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट्स, ग्राफ्स। तो ये हैं कुछ जो विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज हैं। चैट में क्या क्या आ रहा है जरा देखें तो। सिमुलेशन है, माइंड मैप्स, वीडियो, कार्टून, इन्फोग्राफिक। ज्यादा लोगों ने सिमुलेशन लिखा हाँ है ना, कार्टून, इन्फोग्राफिक, ये भी कुछ लोगों ने लिखा है। तो ये सारे ही प्रकार के रिसोर्सेज, वैसे मैं कोशिश करूंगी आपको दिखाऊं जितने भी इस लिस्ट में हैं ज्यादा से ज्यादा। तो ठीक है, अब हम एक एक करके इन रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं, जिसको आपको ज्यादा जानना है और वो क्या है तो उसके बारे में मैं विस्तार से बता दूंगी बीच में। अगली स्लाइड पे हम आते हैं, तो माइंड मैप के बारे में जैसे आप लोग कह रहे थे, तो सबसे पहले हम, कुछ लोगों ने माइंड मैप्स भी लिखा है, तो ये एक माइंड मैप का उदाहरण है। ये माइंड मैप मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, मैंने इसको कहीं से बोरो किया है। तो इसमें हम देखेंगे कि एक जो मेन टॉपिक होता है, उसके सब टॉपिक और सब टॉपिक को भी आगे हम किस तरीके से उसका विस्तारण करते हैं माइंड मैप के माध्यम से, हम
उसको उस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को कैसे हमें अनफोल्ड करना है, धीरे धीरे उसके और परतों को खोलना है। तो माइंड मैप हमारी इसमें मदद करते हैं। जैसे ये माइंड मैप है कॉमन फूड ग्रुप्स के बारे में, तो कॉमन फूड ग्रुप को जिसने भी ये माइंड मैप बनाया उन्होंने 7 भागों में बांटा है। हम इसको अपने तरीके से एक शिक्षक के रूप में और तरह से भी इसकी ग्रुपिंग कर सकते हैं और आगे डी ग्रुपिंग कर सकते हैं मेन ग्रुप के आधार पर। जैसे इन्होंने करा है डेयरी, मीट, कन्फेक्शनरी, वाटर, इसके अलावा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स, बीन्स एंड लेग्मेस। तो इस तरीके से इनको कॉमन फूड ग्रुप्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो हम चाहें तो अपने तरीके से भी इसको कर सकते हैं। तो जैसे वाटर है, वाटर के अंदर इन्होंने टी, फ्रूट जूस और सूप रखा है। वाटर की जगह हम इसको बेवरेजेस या जो लिक्विड फूड होता है उसके अंदर भी रख सकते हैं। मीट एंड डेयरी को हम एक साथ भी कर सकते हैं, जो प्रोटीन रिच प्रोडक्ट्स होते हैं उस आधार पर। इसी तरह वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को हम एक साथ कॉमन भी कर सकते हैं, ग्रेन्स एंड लेग्मस को हम अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे अपनी लर्निंग जो हमें अनफोल्ड करनी है कक्षा में उसको किस तरह से माइंड मैप के माध्यम से बनाते हैं। तो माइंड मैप के ऊपर एक टूल, माइंड मैप पे भी टूल हमने रखा हुआ है आगे के शेड्यूल में, आपको एक टूल डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा कि उस टूल के माध्यम से आप कैसे माइंड मैप बना सकते हैं। और हो सकता है आपको असाइनमेंट भी मिले इसके ऊपर जिसमें आपको माइंड मैप बनाने को मिलेगा। मैं सामान्यतः जिन माइंड मैपिंग टूल्स का इस्तेमाल करती हूँ वो दो हैं जो बहुत सिंपल टू यूज हैं, फ्री माइंड एंड फ्री प्लेन। जो आपको यहाँ भी डेमोन्स्ट्रेट करा जाएगा टूल, वो भी बहुत सिंपल है और आप बहुत आसानी से उसमें सीख जाएंगे कि कैसे माइंड मैप्स बनाते हैं। माइंड मैप के अंदर टेक्स्ट तो हम डाल ही सकते हैं, साथ ही इमेजेस भी हम उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ इस माइंड मैप में आपको मिल रहा है। अगला उदाहरण हम देखेंगे एक इन्फोग्राफिक का। इन्फोग्राफिक भी चैट बॉक्स में काफी लोगों ने लिखा है। इन्फोग्राफिक कॉम्बिनेशन होता है इन्फॉर्मेशन प्लस ग्राफिक का, और फ्लो डायग्राम का भी ये उदाहरण है, क्योंकि फ्लो डायग्राम में जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से उसका फ्लो हम किस तरह से पिक्टोरियली, पिक्टोरल फॉर्म में, इमेज के फॉर्म में डिपिक्ट करते हैं वो उसमें आता है। तो इसको हम इन्फोग्राफिक की श्रेणी में भी रख सकते हैं और फ्लो डायग्राम की श्रेणी में भी रख सकते हैं। तो ये एक ईवीएस के लर्निंग आउटकम पर आधारित है, जो है द लर्नर आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप्स विद एंड अमंग फैमिली मेंबर, कि लर्नर परिवार के व्यक्तियों के साथ और परिवार के व्यक्तियों के बीच क्या रिलेशनशिप है उसको पहचानता है। तो इस इन्फोग्राफिक या फ्लो डायग्राम के माध्यम से हम व्यक्ति की परिवार के सदस्यों के साथ और परिवार के सदस्यों के बीच आपस में क्या रिलेशनशिप है वो हम इन्फोग्राफिक की मदद से बता सकते हैं। ये इसमें नहीं आ रहा है, दोबारे से प्रोजेक्ट करिए। तो इसमें 3 फैमिली ट्री के माध्यम से ये लर्निंग आउटकम को अचीव करने की कोशिश की है। 3 फ्लो डायग्राम या फैमिली ट्री इसलिए बनाए गए हैं, इन्फोग्राफिक इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि हमें अपने संविधान के हिसाब से छोटा परिवार का जो मानक है उसका पालन करना है। अगर हम एक फैमिली ट्री में सारे रिलेशनशिप्स दिखा देंगे तो वो एक बहुत बड़ा परिवार फिर हमें दिखाना पड़ेगा, इसीलिए 3 फैमिली ट्री हैं। तो जब भी हम ई कंटेंट बनाएं, जो आप ई कंटेंट इवैल्यूएशन वाले सेशन में सुनेंगे, तो हमें ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं इनको भी ध्यान में रखना है कि कहीं हम उससे डिविएट तो नहीं हो रहे हैं। तो इसमें रानी का फैमिली ट्री है, इसमें आप देखेंगे दादा दादी हैं और नाना नानी है रानी के। तो दादा दादी और नाना नानी के बीच क्या रिलेशनशिप है ये हम इस डायग्राम को जब प्रोजेक्ट करेंगे तो बताएंगे। वो पति पत्नी है, इसके और रानी के दादा दादी हैं, रानी के नाना नानी हैं, और इनका संबंध इनके मम्मी पापा से क्या है
नाना नानी का या दादा दादी का, पापा जो हैं दादा दादी के ऑफस्प्रिंग हैं या उनके उनकी संतान है, और नाना नानी की संतान कौन है, मम्मी है, जो कि आपस में हस्बैंड वाइफ है, और पापा के जो भाई बहन हैं वो कौन है, और मम्मी के जो भाई हैं वो कौन है, ये इसमें बुआ और उनके पति, फूफा जी, मामा मामी के रूप में दिखाया गया है, और उनके बच्चे रानी के क्या लगते हैं, वो कजन लगते हैं। तो इस तरीके से हम इन्फोग्राफिक की मदद से ये जो परिवार का कॉन्सेप्ट है और उसमें परिवार के सदस्यों के बीच आपस में क्या संबंध है, उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। अगला देखें, इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा एक और फैमिली ट्री है, जिसमें हमने पापा और पापा के बड़े भाई, पहले बहन को दिखाया है, फिर भाई को दिखाया है, और इसमें हमने मम्मी के भाई को दिखाया है। तो इस तरीके से जितने भी कॉमन रिलेशनशिप्स होते हैं वो इन्फोग्राफिक के माध्यम से कवर किए गए हैं। आगे हम देखें, एक और फैमिली ट्री है, ये शालिनी का, फिर राजू का फैमिली ट्री है। इसमें पापा के छोटे भाई, उनको हम क्या कहते हैं, वो रानी राजू के क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे। इसी तरह से मम्मी की बहन, भाई तो मामा लगेंगे, मम्मी की बहन क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। तो इस तरीके से करके परिवार के संबंधों को कवर हम इन्फोग्राफिक की मदद से कर सकते हैं। ये बिना इन्फोग्राफिक के अगर हम बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझाने लगेंगे तो शायद उनके आगे विजुअल नहीं है तो उन्हें समझने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है कि हम कोई भी डिजिटल संसाधन के माध्यम से अगर कोई कॉन्सेप्ट बच्चों को पढ़ाएं तो ज्यादा रुचिकर होता है। तो ये इन्फोग्राफिक और फ्लो डायग्राम का एक उदाहरण है। अगले पे हम चलें, स्लाइड पे आ जाए। अगला है जो आपने, आपको मैंने पिछले सेशन में भी टाइमलाइन का उदाहरण है ये। जब भी हमें कोई घटनाक्रम दिखाना होता है या क्रोनोलॉजी दिखानी होती है घटनाक्रम तिथि के हिसाब से, तो हम टाइमलाइन का प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्रकार की टाइमलाइन का उदाहरण है। टाइमलाइन को आप हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जिस भी तरह से बनाना चाहें हम टाइमलाइन बना सकते हैं। तो ये टाइमलाइन का उदाहरण हुआ जिसमें पॉलिसी डायरेक्शंस बताए गए हैं। अगला स्लाइड, तो ये एक डायग्राम का उदाहरण है जिसमें झरने का निर्माण किस तरह से होता है ये प्रक्रिया बताई गई है। तो ये प्रक्रिया सदियों में घटित होती है कि एक झरने का निर्माण या किसी भी लैंड फॉर्म का निर्माण कैसे होता है, लेकिन हमें अगर एक 10-15 मिनट में इसको एक्सप्लेन करना है, या हम बिना डायग्राम या एनिमेशन भी इस पे होते हैं उसमें तो 30 सेकेंड में हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से झरनों का निर्माण होता है। तो ये जो सदियों में घटित होने वाली प्रक्रिया को हम 5 मिनट में एक्सप्लेन कर सकते हैं एक डायग्राम के माध्यम से या एक एनिमेशन के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का कॉम्पोजिशन दिखाया गया है। हार्ड रॉक के ऊपर से पानी बह रहा है, सॉफ्ट रॉक क्योंकि सॉफ्ट है तो उसमें अंडर कटिंग फास्ट होती है, और कुछ समय व्यतीत होने पर हार्ड रॉक का एक छज्जा सा बन जाता है, और जब पानी का प्रेशर या दबाव उस छज्जे पे ज्यादा होता है तो वो छज्जा टूट जाता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जहां जहां भी झरने होते हैं झरनों के नीचे टूटी हुई चट्टाने हमें पड़ी दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से हम एक सदियों में घटित होने वाली प्रक्रिया को बहुत कम समय में बच्चों को एक विजुअलाइजेशन के साथ दिखा सकते हैं। इसमें आप गूगल पे एनिमेशंस भी सर्च करिएगा तो एनिमेशन और अच्छे हैं जिसमें 30 सेकेंड के अंदर या 1 मिनट के अंदर झरना किस तरह से निर्मित होता है ये प्रक्रिया दर्शाई जाती है। अगले स्लाइड पे आए।
ये कार्टून भी काफी लोगों ने लिखा था चैट में कि कार्टून क्या होते हैं। कार्टून हम सभी जानते हैं, जो आपने देखा होगा कि अखबारों में भी रोज कार्टून आते हैं, जो पॉलिटिकल कार्टून्स होते हैं। ये एक कार्टून है जो एक कॉम्प्लेक्स बहुत लर्निंग का विषय है, जो हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, या किस तरह से जो डिफरेंट प्रजातियां हैं, चाहे वो जानवरों की हो प्रजातियां या इंसेक्ट्स हो, वो किस तरह से इवॉल्व करती हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है। कुछ प्रजातियां समय के साथ खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम क्लास की जब शुरुआत करें तो एक कार्टून के साथ करेंगे, जिससे बच्चों का जो रुचि भी है उस पार्ट में जागृत होगी कि शुरू में आप कोई कॉम्प्लेक्स लर्निंग नहीं लेके आ गए, बल्कि एक कार्टून दिखा रहे हैं जो एक लर्निंग की तरफ हमें लीड करता है। तो यहाँ पेड़ पे डायनासोर का एक कार्टून लगा हुआ है, जिसपे लिखा है मिसिंग सिंस अ बिलियन ईयर्स, सो अरबों सालों से ये मिसिंग है जानवर। और दूसरे जानवर बहुत ही आश्चर्यचकित होकर इस कार्टून को देख रहे हैं। तो ये कार्टून के बाद फिर हम आगे कॉम्प्लेक्स लर्निंग की तरफ बच्चों को लेकर जा सकते हैं, एक क्लास को वार्म अप करके अच्छे से। अगला फिर स्लाइड पे आ जाए। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस की 9th 10th 11th 12th की किताबों में बहुत सारे पॉलिटिकल कार्टून भी दिए गए हैं, जो हमें उस समय घटित होने वाली बहुत सारी घटनाओं को एक ह्यूमर के फॉर्म में उनसे हमें परिचित कराते हैं। यहाँ एक कॉमिक स्ट्रिप का उदाहरण है, तो ये कॉमिक स्ट्रिप हम देखेंगे, जो एक एसिडिटी का कॉन्सेप्ट, कि हमें कभी कभी एसिडिटी होती है, तो एसिडिटी का कारण क्या होता है और एसिड से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा क्या होता है, जिससे कि हमारा स्टमक में छेद नहीं होता, क्योंकि एसिड इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो लकड़ी जैसे उसमें भी छेद कर सकते हैं, तो स्टमक में छेद क्यों नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट को एक कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से दिखाया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, राजू और रिया आपस में बात कर रहे हैं, रानू और राजू के जो पेट में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है एसिडिटी की वजह से, तो राजू को आश्चर्य होता है कि मेरे पेट में एसिडिटी है, एसिड है। तो वो पूछता है, अगले उसमें जब हम आएंगे इसमें स्लाइड में, तो पूछता है कि लेकिन ये तो कोरेसिव होते हैं एसिड, तो मेरा स्टमक में छेद हो जाएगा क्या एसिडिटी की वजह से। तो रिया बताती है कि हमारे एपिथेलियल सेल हैं जो स्टमक को एक म्यूकस से कवर कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक की वॉल है वो बची रहती है और उसमें छेद नहीं होता है। तो एपिथेलियल सेल के कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से एक कार्टून के माध्यम से, कॉमिक स्ट्रिप के माध्यम से, जिसमें कार्टून्स का इस्तेमाल किया गया। कार्टून एक सिंगल उस पे होता है, और जो कॉमिक स्ट्रिप होती है उसमें एक घटनाक्रम होता है। कार्टून में बस एक छोटी सी चीज का जिक्र होता है जो अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन कॉमिक स्ट्रिप एक सीक्वेंस को बताती है। और फिर कैसे इमीडिएटली रिलीफ पा सकते हैं हम एसिडिटी से, एक ग्लास दूध पी के, वो भी इसमें बताया गया है। तो ये कॉमिक स्ट्रिप का एक उदाहरण है। सिमुलेशन का आप बहुत लोगों ने पूछा था कि सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन हालांकि एक बहुत ब्रॉडर टर्म है, एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे तरीके के कंटेंट आते हैं। जैसे मैंने फिजिकल वाला जब आप लोगों से बात की थी, फिजिकल में ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की जो हम बात कर रहे थे, जो 3D विजुअलाइजेशन किसी भी चीज का हम करते हैं, तो उससे हमें नजदीकी रियलिटी के, वास्तविकता के काफी नजदीकी 3D इमेज देखने को मिलती है, हालांकि वो वास्तविकता तो नहीं होती है। तो सिमुलेशन में हम नियर टू रियल कोई भी चीज को देख सकते हैं, जैसे कि पाचन तंत्र है। अगर पाचन तंत्र ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के माध्यम से हम देखेंगे, तो उसमें उसका 3D पाचन की प्रक्रिया हम 3D में
देख सकते हैं, जो रियल तो नहीं है लेकिन रियलिटी के काफी करीब है। मैं एक और सिमुलेशन आपको दिखाऊंगी, उससे और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ज्वालामुखी कैसे होते हैं और ज्वालामुखी कैसे फटते हैं, कैसे लावा निकलता है, क्या क्या चीजें होती हैं। और ये एक छोटा सा सिमुलेशन है जो अमीबा, जो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भोजन का पाचन कैसे होता है। मनुष्य में पाचन अलग होता है, लेकिन ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो अमीबा है उसमें कैसे भोजन का पाचन होता है, इस पाचन की प्रक्रिया को सिमुलेशन के माध्यम से दिखाया गया है। हालांकि ये 2D है, 3D नहीं है, लेकिन सिमुलेशन है, इसमें वो प्रक्रिया दिखाई दे रही है। तो सिमुलेशन कैसे बनाए जाए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है क्योंकि इसके लिए स्किल्ड उसकी आवश्यकता होती है, लेकिन या एनिमेशन हम जरूर आपको बनाना बताएंगे। और हाउ सिमुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमेशन, ये भी एक वो आ रहा है। सिमुलेशन एनिमेटेड होते हैं, एनिमेशन में वो डिजिटल कंटेंट आते हैं जिसमें मूवमेंट होता है, वो 2D भी हो सकता है, 3D भी हो सकता है, लेकिन सिमुलेशन में एक प्रक्रिया दिखाई जाती है। हो सकता है एनिमेशन में कोई घटनाक्रम हम दिखा रहे होते हैं, लेकिन सिमुलेशन में अधिकांशतः एक प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया का नियर टू रियल हम इमेज देते हैं, या कोई ऐसा फिनोमेना होता है जिसको 3D में हम दिखाते हैं। तो एनिमेशन और सिमुलेशन इस तरीके से अलग है। अगला अगला स्लाइड, या इसी में एक सिमुलेशन वो वॉल्केनिक इरप्शन वाला अभी दिखा देते हैं, या इसमें है यहीं पे। तो ये एक और उदाहरण हम देखते हैं सिमुलेशन का, इसको साउंड के साथ शेयर करना। तो ये एक ऐप है क्यूअर, उसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। हालांकि 9th 10th की मैंने बताया था एनसीईआरटी की किताबों में भी ये ऑगमेंटेड रियलिटी तकनीक है, और इससे अगर हम क्यूअर एप्स क्यूअर वेबसाइट पे कुछ इमेजेस हैं, अभी स्टॉप कर दो। हाँ, क्यूअर एक वेबसाइट है, उस पर कुछ फ्री शीट्स भी हैं, पेड शीट्स भी हैं, ऐसी जो आपको पहले देखने को, पीछे कर लो एक बार, स्केचेस हैं। उन स्केच्ड शीट को अगर हम प्रिंट ले लेंगे और क्यूअर ऐप से अगर हम उन्हें स्कैन करेंगे तो वो हमें मोबाइल में 3D दिखाई देगा। तो ये हमने उस प्रक्रिया का एक वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सिमुलेटेड आप देख रहे हैं एनवायरमेंट में वोल्केनिक इरप्शन कैसे होता है। डॉक्टर प्राची प्ले कर दीजिए इसको, तो आपको सिमुलेशन स्पष्ट हो जाएगा इससे। साउंड नहीं आ रहा है। इसमें स्नो क्लैड वॉल्केनो भी दिखाया गया है। उसके अंदर लावा कैसे स्थापित रहता है।
ये हमने सिमुलेशन का एक उदाहरण देखा। एक और जो पाचन तंत्र वाला अगर है तो उसको और दिखा दीजिए डॉक्टर प्राची, उससे और स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे हम प्रक्रियाओं को देखते हैं या श्वसन तंत्र पाचन तंत्र कोई भी दिखा सकते। पाचन तंत्र ज्यादा ठीक है। हाय ये पूरा नहीं आ रहा है शुरू से, हाँ हाँ ये वाला पार्ट नहीं आया, माउथ वाला नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग ठीक, हाँ आगे हम कर लो। बढ़िया थोड़ा सा ये एक ऐप है बायो डिजिटल ह्यूमन, इसमें इसी तरह से हमारे ब्रेन के बारे में, आंख के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, हार्ट कैसे फंक्शन करता है, उन सब का 3D विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। और हम इन्हें इसीलिए सिमुलेशन कहते हैं कि वास्तविकता के काफी करीब हम चीजों को देख सकते हैं सिमुलेशन के माध्यम से। अगले पे आ जाए। तो यहाँ इमेज का उदाहरण हम देख रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि एक इमेज के अंदर बहुत सारे रसोई घर में पाए जाने वाले बर्तन छिपे हुए हैं। इसमें ऐप का नाम पूछ रहे हैं, चैट में लिख देना बाय डिजिटल ह्यूमन। तो इसमें एक आप बच्चों के साथ चर्चा करके वो इन बर्तनों को पहचान सकते हैं, इनकी उपयोगिता और अन्य इसी से जुड़ी जानकारी हम ऐसे आ, आ, पिक्चर के माध्यम से, इमेज के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं। अगला इमेज अगर आप देखेंगे तो उसमें खेलों की बहुत सारी सामग्री छुपी हुई है, तो खेलों के ऊपर, उनके नियमों के ऊपर, उनके प्लेयर्स के ऊपर, उनके मैचेस के ऊपर, गेम्स के रूल्स के ऊपर, कौन कौन सी महिलाएं विनर किस किस गेम्स में रही हैं और भारत कौन कौन से खेलों में विजेता रहा है, विभिन्न प्रतियोगिताओं में, इस तरह की बहुत सारी चर्चा हम ऐसी इमेजेस के माध्यम से कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें स्लाइड, तो उसमें है कि हम फोटोग्राफ्स को भी, जो भी कहीं हम फोटोग्राफ क्लिक करते हैं तो हम उस समय ये ध्यान रखें कि क्या हम इसको एक लर्निंग रिसोर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ इसमें कुछ पक्षियों और जानवरों के फोटोग्राफ हैं, उनपे हमने थोड़ा रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन फोटोग्राफ्स को हमने एक लर्निंग रिसोर्स के रूप में विकसित किया, जिसमें वो जानवर, उनका साइंटिफिक नाम क्या है, वो कहाँ पाए जाते हैं, क्या वो कहीं प्रवास भी करते हैं तो उनकी प्रवास से संबंधित आदतें कैसी हैं। तो ये सारा रिसर्च करके उनको एक लर्निंग रिसोर्स में बनाए। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये कॉपर स्मिथ बारबेट एक पक्षी का नाम है, उसका साइंटिफिक नाम, अल्टरनेटिव नाम, उसका हैबिटेट।
थिंक वी हैव गॉट एन आइडिया, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एनिमेशन काफी लोग पूछ रहे थे, एनिमेशन वही मूविंग कार्टून्स हैं, तो वो अगर मूविंग है इनको कैरिकेचर भी बोलते हैं, अगर मूविंग है उसमें मूवमेंट है तो उसको हम एनिमेशन कहते हैं। हाय फ्रेंड, वो क्या होगा, प्ले नहीं हो रहा है। माय नेम इज अंजलि, लेट्स टॉक अबाउट ट्रैफिक सिग्नल्स। We all see traffic signals when we are on the road. What do you think these traffic signals are for? Traffic signals help everyone using the road to know when they have to stop, wait, or go. There are three lights of different colors in the traffic signal. These are red, amber or yellow, and green. Each color has a special meaning. For drivers, red light means stop your vehicle. Amber light means next pe ja sakte hain. And green light aag wala hai usko bhi dikha sakte hain. Hi friends. Ek aur animation dikha dete hain, stop motion animation hum usko bolte hain. Aur wo kis app se banta hai wo aapko banana hum batayenge. जो एक मोबाइल बेस्ड ऐप है स्टॉप मोशन स्टूडियो, उस पर एक डेमो होगा और आपको ये जो अभी मैं दिखाने जा रही हूँ आपको स्टॉप मोशन एनिमेशन, उस तरह के एनिमेशंस बनाने का प्रक्रिया आपको बताई जाएगी। समूह में आदि मानव लेकर बैठे थे कुछ पत्थर। कुछ चपटे कुछ थे नुकीले, कुछ जैसे हो मोटी कीले। कुछ कुदाल कुछ भाले जैसे, कुछ मेथे चाकू सीधा। पत्थर से पत्थर को मार बना रहे थे वो हथियार। टकराया पत्थर से पत्थर, तब उससे निकली चिंगारी। पास ही था पत्तों का ढेर, आग सुलगते लगी न देर। सीख लिया जब आग जलाना, सर्दी का मौसम बना सुहाना। उनकी गुफा हो गई रोशन, खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। खाने लगे पका कर खाना। अगली स्लाइड पे आते हैं। नहीं, मेरे स्क्रीन पे नहीं आई। अब यहाँ हम देखेंगे एक इंटरैक्टिव ई कंटेंट, जो हम गेमिफाइड कंटेंट की बात कर रहे थे, और इसके लिए भी जो सॉफ्टवेयर है जिससे निर्माण करते हैं इनका, वो भी आपको दिखाया जाएगा, ड्रैग ड्रॉप और अन्य वैरायटी ऑफ इंटरैक्टिव कंटेंट। इसको हम प्ले करके देखें और इनकी स्क्रिप्ट भी कैसे बनती है ये भी आपको लास्ट सेशन में आज बताया जाएगा। तोल कर बोल।
तराजू पर रखे हुए सामान को तोलने के लिए उतने भार के बाट को तराजू के दूसरे पलड़े पर रखें। दोबारा प्रयास करें। बहुत अच्छे। Arrange numbers on the ladder in ascending and descending order. Well done. Well done. Well done. Oops, try again. Well done. Well done. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाए। एक आइडिया मिल गया, ये हम आपको बनाना भी बताएंगे कैसे बनाते हैं। अब है कि क्लासरूम के एक लर्निंग प्लान में हम डिजिटल कंटेंट को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। कुछ रिसोर्स डिपेंड्स कि आपका लर्निंग प्लान क्या है। हम प्री लेसन कर सकते हैं, कुछ जहां जहां बीच में हमें आवश्यकता महसूस होती है कि हाँ हमें यहाँ पर एक डिजिटल कंटेंट दिखाना है बच्चों को। डिजिटल कंटेंट या किसी भी वीडियो ऑडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि क्लास में हमने प्ले कर दिया और टीचर का रोल नहीं है वहां। टीचर का अपना लर्निंग प्लान जरूर रहेगा, लेसन प्लान रहेगा, पर उसमें हमें कैसे इंटीग्रेट करना है डिजिटल कंटेंट, वो प्री लेसन हो सकता है, मिड लेसन हो सकता है या पोस्ट लेसन हो सकता है। प्री लेसन जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको कार्टून वाला दिया था। मिड लेसन में जब हम शरीर के आंतरिक अंगों के बारे में बता रहे हैं तो उनकी प्रक्रिया जब बता रहे हैं तो तब हम कर सकते हैं, जैसे पाचन तंत्र श्वसन तंत्र वाले तब हम उसमें बीच लेसन में कर सकते हैं। फ्लिप्ड लर्निंग के लिए भी हम प्री लेसन प्रयोग कर सकते हैं डिजिटल कंटेंट की। हम कंटेंट पहले से ही बच्चों के साथ शेयर कर लें, वो देख कर आए, फिर क्लास में हम उस पर आधारित चर्चा करके शिक्षण को या सीखने सिखाने को और आगे बढ़ाएं। पोस्ट लेसन की हमने एक पाठ पढ़ा दिया, उस पर आधारित अगर हमें और लर्निंग आगे ले जानी है तो हम उनको वो कोई भी या तो कंटेंट दिखा सकते हैं या स्वयं देखने के लिए बोल सकते हैं, उनके साथ शेयर करके बाद में उन पे चर्चा कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो ये आज का जो सेशन है यहाँ खत्म होता है। अब हम इसके बाद लंच के लिए ब्रेक करेंगे, 5 मिनट मैं देती हूँ आपको अगर आपके कोई सवाल है। हालांकि बीच में मेरी नजर अगर सवालों पर पड़ी थी तो मैंने आंसर दे दिए थे। मैम हमारा ना बीच में नेटवर्क टूट गया था तो हम एनिमेशन ना स्टॉप मोशन एनिमेशन के बाद वी कुड नॉट लिसन एनीथिंग, हमारा नेटवर्क नहीं था। सभी का मैम पता नहीं, एचपी में तो हमारे सिस्टम में नहीं था, हम एचपी एससीआरटी से बोल रहे हैं। रिकॉर्डिंग शेयर कर लेंगे, ये सेशन की रिकॉर्डिंग हुई है तो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर कर लेंगे तो आप बाद में सुन सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके थैंक यू। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। यस मैम, लक्ष्मीपुरी फ्रॉम जीकेएससीआरटी। मल्टीपल लोगों के वो ओपन है माइक्स। जी जी मैम। मैम मेरा ये एक क्वेरी थी कि ये जो प्रेजेंटेशंस थी ये तो हमें समझ में आ गई, वेरी नाइस प्रेजेंटेशंस, बट हम चाहते हैं कि कोई एक सेशन ऐसा हो जिसमें हमें स्लो मोशन में या आप इसको सॉफ्टवेयर के जरिए हमें बताएंगे।
हाँ, ये पहले दिन का उद्देश्य ये है कि आपको हम अलग अलग तरह के रिसोर्सेस दिखाएं कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हैं, इनके टाइप्स हैं। और मैंने सुबह, आप इनोग्रल सेशन में थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन इनोग्रल सेशन में हमने ये स्पष्ट किया था कि आपको ये सभी तरह के रिसोर्स बनाने के टूल्स एंड सॉफ्टवेयर भी बताए जाएंगे। स्टॉप मोशन के लिए, जैसे आपने वो आग की खोज वाला देखा, वो कैसे बनता है, उसका एक सॉफ्टवेयर आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा, डॉक्टर प्राची लेंगी वो आपके साथ। इन्फोग्राफिक बनाने के सॉफ्टवेयर भी आपके साथ डेमो होगा। इसके अलावा टाइमलाइंस के लिए भी, या ग्राफिक है, टाइमलाइन का है, HYP जो इंटरएक्टिव गेमीफाइड कंटेंट है, उसका सॉफ्टवेयर भी हम आपको डेमो देंगे। आपको असाइनमेंट भी बनाने होंगे, आप सीख जाएंगे इस वर्कशॉप के अंत तक, प्रैक्टिस करके और फाइन ट्यून करेंगे, लेकिन आपको एक बेसिक यूज करना आ जाएगा। माइंड मैप के लिए भी हम आपको सॉफ्टवेयर बताएंगे। तो अभी तो पर्पस था आपको दिखाना कि क्या क्या तरह के रिसोर्सेज होते हैं, बनाना अब आगे चलेगा, अभी हमारे पास 4 दिन और है। ओके मैम, थैंक यू मैम, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। थैंक यू। और जो कार्टून स्ट्रिप किसी ने लिखा है, उसको तो सिंपल पावर पॉइंट में भी आप बना सकते हैं, बस आपको वो कॉमिक्स बनाने पड़ेंगे, कार्टून डायलॉग्स लिखने पड़ेंगे। और पावर पॉइंट में भी, जैसे हम स्लाइड को एडजस्ट करते हैं, स्लाइड को एडजस्ट करें, उसके साथ अगर आपको कमेंट्री बनानी है, ऑडियो भी डाल सकते हैं, वो करें। और जब हमारी स्लाइड सब एडजस्ट हो जाए, तो हम उसमें एक कितने टाइम के बाद एक स्लाइड शेयर होनी है, उतना टाइम हम सेट करें और उसको सेव एज वीडियो कर लें। सेव एज का ऑप्शन आता है, तो आपकी कॉमिक स्ट्रिप भी बन जाती है। ठीक है, अब लंच के लिए ब्रेक करते हैं, लक्ष्मी को भूख लगी है।